Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol 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 Radhe Govind Bol Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe 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 Govind Bol Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Shri Govind Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Naam Anmol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Naam Radhe Radhe Govind Bol Radhe Dhyavo Puni Radhe Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Dhyavo Puni Radhe Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Dhyavo Puni Radhe Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Dhyavo Puni Radhe Bol Radhe Radhe Govind Bol O Radhe Radhe Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Radhe Radhe Govind Bol Shri Govind 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 Govind Bol
धन अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। हे मानुष तन अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। हे मानुष तन अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। हे मानुष तन अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। तू गांठ कपट की खोल राधे राधे गोविंद बोल। गांठ कपट की खोल राधे राधे गोविंद बोल। तू गांठ कपट की खोल राधे राधे गोविंद बोल। गांठ कपट की खोल राधे राधे गोविंद बोल। क्रंदन करी हरि बोल 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 राधे राधे गोविंद बोल। राधे राधे गोविंद बोल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद बोल। राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल राधे राधे गोविंद बोल। रामोल अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। रामोल अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। रामोल राधे राधे गोविंद बोल। लेहि रामोल अनमोल राधे राधे गोविंद बोल। राधे राधे गोविंद बोल राधे राधे गोविंद बोल राधे राधे गोविंद बोल।
राधे गोविंद भो, ओ राधे राधे गोविंद भो, राधे राधे गोविंद भो, राधे 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 गोविंद भो, राधे 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 गोविंद भो, ओ राधे गोविंद भो, राधे गोविंद भो, राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद बोल, श्री गो गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद सन 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक अलौकिक महापुरुष का प्राकट्य हुआ। वे हमारे जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। आपने अल्प आयु में ही अल्प काल में संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य इत्यादि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। तदनंतर दिव्य प्रेम की पूर्ण परमहंस अवस्था में स्थित शरभंग आदि स्थानों में अधिकारी जनों को कृतार्थ करते हुए आप कुछ समय तक भ्रमण करते रहे। तत्पश्चात वृंदावन धाम पधारे। तब से आप जीव कल्याणार्थ निरंतर नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन एवं प्रवचनों के द्वारा ब्रजरस प्रवाहित करते चले आ रहे हैं। 1957 में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद के आमंत्रण पर आप वाराणसी पधारे। वहां महान विद्वानों को भी अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त अलंकृत संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह सर्व दर्शन समन्वयात्मक भक्ति प्राधान्य सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर विद्वत सभा ने आपसे इस युग के जगत गुरु पद स्वीकार करने की अभिलाषा प्रकट की एवं पद्य प्रसनोपहार द्वारा आपको जगत गुरुतम पद से विभूषित किया। उस समय आपकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। यह ज्ञात हो कि पिछले 5000 वर्षों में केवल 4 महापुरुषों को जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री रामानुजाचार्य एवं श्री माध्वाचार्य। भक्ति योग रसावतार
श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य एवं मूल जगत गुरु हैं। आइए ऐसे अद्वितीय महान विभूति जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मुखारविंद से कुछ उपदेश श्रवण करें। संसार में बहुत सी चीजें जानते हुए भी मन की कमजोरी से आदमी उसका सेवन करता है तो कोई नरक चाहे, कोई मृत्युलोक चाहे, कोई स्वर्ग चाहे, कोई मोक्ष चाहे, तो सब के लिए हमारे यहां रास्ता है। अब एक दमन लो क्रिश्चियन धर्म है, वहां क्या कहा जाता है कि ईसा ने वहां ये कहा है कि एक थप्पड़ मारा उनको तो उन्होंने दूसरा गाल कर दिया, ये आदर्श है उनका। और हमारे भगवान का आदर्श क्या है, भृगु ने लात मारा तो उन्होंने फिर मारने के लिए नहीं कहा आपके कोमल चरणों में चोट लग गई होगी, मेरी छाती बड़ी कड़ी है, ये हमारे यहां का आदर्श है। ऐसे कितने आदमी हैं जो एक झापड़ लगा देने पर दूसरा गाल कर दें, बताओ। ऐसे कितने लोग हैं संसार में अधिकारी, ऐसे ही हमारे देश में भी ज्ञान के अधिकारी कितने लोग हैं, साधन चतुष्टय संपन्न, चार साधनों से युक्त कितने लोग निकलेंगे। अरे हमारे देश तो क्या 6 अरब में 6 आदमी भी नहीं निकलेंगे। आप यहां पर सुन रहे हैं लेक्चर, हाँ आपके घर से खबर आई, क्या आपके पति मर गए, आपका बेटा मर गया, छत गिरी, दोनों मर गए, हाँ लेक्चर भाड़ में जाए कृपालु का, भागे। और अगर साधन चतुष्टय संपन्न हो तो हाँ अच्छा आप जाओ फिर तुम्हारी बात सुनेंगे, अभी लेक्चर सुन ले। इतना बड़ा अधिकारित्व है निराकार ब्रह्म के विषय में सुनना श्रोतव्य के पहले इतना बड़ा अधिकार चाहिए। तो हमारे यहां सब कुछ है लेकिन हमको जो कुछ चाहिए वो ऐसे महापुरुष को हम गुरु बनावे, औरों के पास न जाए, नहीं तो कुसंग हो जाएगा। एक महापुरुष कहेगा दीन बनो, दूसरा महापुरुष करेगा दीन काहे के, तुम तो ब्रह्म हो, तुम पाठ करो सोहम सोहम, एक कहेगा तुम पाठ करो दासोहम दासोहम, फिर पहले वाला कहेगा ऐसा सदा सोहम सदा सोहम, फिर वो कहेगा एक एक, इसी प्रकार से अपने अपने पक्ष में बोलेंगे, बेचारा जीव अल्पज्ञ क्या करेगा। और अगर विद्वान भी है तो क्या करेगा, ये भी लिखा है ये भी लिखा है, इतनी बड़ी योग्यता तो मनुष्य में है नहीं कि उसका समाधान समन्वय कर सके, ये तो महापुरुषों का काम है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ यही है कि जो हमारे लक्ष्य के अनुसार हमारी साधना के अनुसार हमको लाभ दे सके वो हमारा गुरु है, बाकी सब महापुरुष है, किसी में दुर्भावना नहीं हो। अरे जो निंदनीय हो उसमें भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, जो पापात्मा हो उसके प्रति भी हमारे मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उदासीन भाव हो चाहिए। देखो हमारा एक मन बर्तन है, मैंने 1000 बार समझाया है आपको, एक गंदा कपड़ा है, इस गंदे कपड़े में शुद्ध पानी डालो तो गंदगी छूटेगी। अच्छी अच्छी बात मन में सोचो, भगवान की बात सोचो, संतों की बात सोचो, और अगर गंदे लोगों की बात सुनोगे पढ़ोगे सोचोगे तो मन में गंदगी भरेगी, निंदा, वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो ढोंगी है, वो बदमाश है, वो अरे तो है तो तुम ये सब सुनते क्यों हो, बड़े चाव से
सुनते हैं हम लोग। अच्छा हाँ वो ऐसा हुआ। अच्छा सुनना गलत, पढ़ना गलत, सोचना और गलत। मन ही में तो सब कुछ गड़बड़ है, मन ही को ठीक करना है। और मन से आप सोचेंगे तो गंदगी सोचेंगे, गंदगी भरेगी। सारा संसार खराब है, लेकिन उसको आपसे क्या मतलब है? आप अपने को ठीक करें, अपनी गंदगी दूर करें। दूसरे की गंदगी मन में क्यों ला रहे हैं और प्लस कर रहे हैं माइनस करने के बजाय? इसलिए दुर्भावना तो कहीं नहीं करना है, लेकिन अपने गुरु के प्रति शरणागति होना होना है। शरणागत होने के लिए तन मन धन वार, हमारे पास क्या है? शरीर है, मन है और कुछ धन है, प्रॉपर्टी। ये तीनों को समर्पित करो, वारो, निछावर कर दो। क्यों? इसलिए कि यही तीन बाधक है हमारे लिए। इन्हीं तीन में हमारा अटैचमेंट है, लगाव है। तो भगवान कहते हैं यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन निवेदये मह्यम। ऐ जीव, तेरा जहां अटैचमेंट हो उसी को अर्पित कर दे, तो अटैचमेंट माइनस हो जाएगा। फिर तू अपने मन को मुझ में लगा देगा आराम से। अगर अटैचमेंट नहीं हटाता तो दो मन तो है ही नहीं कि एक मन भगवान में लगा दो और एक मन संसार में लगाए रहो, यानी तन में, मन में, धन में। इसलिए अपना सर्वस्व अर्पित करना एक भाषा ये है, आत्मसमर्पण करना एक भाषा ये है। उस सब का अभिप्राय यही है, तन मन धन ये तीन से सेवा करना है। और किसी को तीन नहीं मिलता तो दो से करो। शरीर हमेशा साथ नहीं रहेगा गुरु के कि शरीर से सेवा कर सकोगे, तो मन और धन से करो। धन भी सबके पास नहीं है तो खाली मन से करो। चेतस तत् प्रमणम सेवा तत् सिद्धि तनु वित्तजा। नंबर एक मन की सेवा, नंबर दो तन धन की सेवा। भावार्थ यही है कि जहां तुम्हारा लगाव है, आसक्ति है, उस आसक्ति को हटा करके भगवान की ओर लगाना है, गुरु की ओर लगाना है। इसलिए कह रहा है तन मन धन निछावर कर दो गुरु चरण कमल पर। वो गुरु और भगवान तमाम बातों में एक से है। जैसे मैंने एक बात बताई, आनंद भोग में बराबर, ज्ञान भी बराबर है। नंबर दो, अब अज्ञान नहीं रहा महापुरुष के पास, क्योंकि अज्ञान का रीजन माया, माया चली गई तो अज्ञान चला गया, अज्ञान गया तो देहाभिमान गया, देहाभिमान गया तो उसके जितने सेनापति थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, सब अपना अपना बिस्तर बांध कर गए। माया के जाते ही सब गड़बड़ चली गई। जो जो प्रॉपर्टी भगवान के पास थी वो मिल गई। एष आत्मा परित पापमा बिजरो मृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये आठ प्रॉपर्टी है भगवान की वेद के अनुसार, ऐसा भक्त को मिल जाती है भगवत प्राप्ति के बाद, बराबर हो गया। इसी बात को भगवान ने तमाम ग्रंथों में, तमाम प्रकरणों में कहा है, भक्त मेरा प्राण है, भक्त की भक्ति करो सब लोग, मोते अधिक संत कर लेखे। जो भगवान से बढ़कर संत को माने उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, जो भगवान में निवास करता है भगवान उसमें निवास करते हैं,
मैते तेषु चाप्यहम् भक्त मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भागवत, भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, मैं भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता, भक्त मेरी आत्मा है। भक्त कहता है भगवान मेरी आत्मा है, सब दोनों एक सी सब बातें हैं। हजारों जगह, दो चार दस जगह नहीं, लिखा है, भरा पड़ा है पुराणों में, शास्त्रों में, इसीलिए वेदों में भी कह दिया कि देखो तुमको भक्ति करते समय ध्यान रखना है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था। लेकिन एक बात में अंतर है। क्या अंतर है? सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं, वो किसी भक्त को वो कार्य नहीं देते। जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाना, संसार में व्याप्त होना, संसार की रक्षा करना, जीवों को कर्म का फल देना, संसार को प्रलय करना, ये सृष्टि संबंधी वर्क भगवान स्वयं करते हैं। एक अंतर ये हुआ। अब दूसरा अंतर सुनो, हम भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, संत को, गुरु को देख सकते, छू सकते। हाँ, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके शब्द सुन सकते हैं, उससे हम लाभ ले सकते हैं, और जो जिसका स्वरूप देखा तक नहीं, उसके शब्द सुने नहीं, उसका स्पर्श पाया नहीं, उसका ध्यान करना, उसमें प्रेम करना, ये कठिन है। प्रत्यक्ष में प्रेम जल्दी होता है, परोक्ष में देर से होता है। संसार में जहां जहां आपका प्यार हुआ, मां बेटा, बाप स्त्री पति, सबको प्रत्यक्ष में प्यार हुआ है, देख करके, देखते हैं सामने, तब प्यार हो जाता है। तो गुरु को आप देख रहे हैं, इसलिए प्लस गुरु ने हमको समझाया, तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर क्या है, ये संसार क्यों है, तुम्हारा एम क्या है, तुमको भगवान से क्या तुम्हारा संबंध है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तमाम सारी बातें उन्होंने हमको समझाया। ये काम भगवान तो नहीं कर सकते, भगवान कैसे करेंगे, वो तो कहते हैं मैं सामने आऊंगा ही नहीं, जब तक तुम अधिकारी न बन जाओगे, शुद्ध न हो जाओगे। तो शुद्ध कौन करे? शुद्ध करें गुरु जी, शुद्ध करें गुरु, और जब शुद्ध हो जाओ तो भगवान काम आएंगे तुम्हारे। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब जीव का अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान योगक्षेम वहन करेंगे। ये अंतर हो गया बहुत बड़ा। एक भी जीव का भगवान से लाभ नहीं हो सकता। अगर अवतार लेके आवे तब तो उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, तब भी नहीं देख सकते, तब भी नहीं छू सकते, तब भी नहीं उनके शब्द सुन सकते, क्योंकि वो चिदानंदमय देह तुम्हारी है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, तो जाकी रही भावना जैसी वैसे वो दिखाई पड़ेगा। भगवान तो अनंत बार अवतार ले चुके, हम भी थे, हमने भी देखा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अरे हमारे हृदय में ही बैठे, कोई लाभ नहीं। अरे सर्व व्यापक भी है, कोई लाभ नहीं। भगवान से किसी का लाभ नहीं हुआ। दिमाग खराब हुआ लोगों का जरूर। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, वो माया का कार्य करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह का,
वो देख करके हम कहते हैं ये तो हमारी तरह है, एकाएक भगवान। तो भगवान का लाभ तो तब मिलेगा जब भगवान वाली आंख, भगवान वाले कान, भगवान वाली नासिका, भगवान वाली रसना, भगवान वाला मन, भगवान वाली बुद्धि हमको मिल जाए। और ये देगा गुरु। ये अंतर है गुरु और भगवान में। इसलिए भगवान और संतों ने भी बार बार लिखा है कि गुरु का स्थान ऊंचा है, बड़ा है, यानी हम उसके कृतज्ञ हैं, एहसान मानते हैं। उसने हमको पहुंचाया, माया से उत्तीर्ण कराया। अंतःकरण शुद्ध भी हो जाए तो भी प्रेमदान गुरु करेगा, ये विशेषता है। इसलिए वो कहता है गुरु चरण कमल बलिहार तन मन धन सब उस पर निछावर करके और अपने मन को सरेंडर करो, बुद्धि को सरेंडर करो, शरणागत हो जाओ। ये बुद्धि देवी जो है इन्होंने ही सब बिगाड़ा है अनंत जन्म। बुद्धि बुद्धि अनंत बार सुना हमने गुरुओं से हर जन्म में ऐसा करो। हाँ, गुरु जी ने कहा ऐसा करो, लेकिन ऐसा है कि लेकिन मत लगाओ। अजी हम तो बिना लेकिन लगाए रह नहीं सकते, आदत है हमारी। तो फिर लेकिन लगाओ तो 84 लाख में घूमो। जिसने लेकिन नहीं लगाया वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम संत बन गया, शरणागत हो गया। और जिसने लेकिन लगाया वो भगवान और महापुरुष से अलग हो करके संसार में अटैचमेंट करके 84 लाख में घूम रहा। तो गुरु के विषय में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। जब भगवान ही अनिर्वचनीय है तो गुरु तो अनिर्वचनीय है ही है। वहां वाणी का, मन का, शब्दों का प्रवेश नहीं है, कोई निरूपण नहीं कर सकता। सब ने हार मान ली। वो बुद्धि से परे है जैसे भगवान, ऐसे ही बुद्धि से परे है गुरु। जिस पर कृपा कर दे वो गुरु को जान ले, मान ले, शरणागत हो जाए। और जो श्रद्धा युक्त हो उसी पर कृपा करते हैं। तो हम श्रद्धा युक्त होकर के और गुरु के शरणागत होकर के लाभ उठावे, यही हमारा सौभाग्य है। Yeah.
प्रेम रस मदिरा हिंदी विरह माधुरी पद नंबर 140 Mom.
माधो
पर तनु आस माधो कब पई हो कब पई हो तहवास माधो तहाँ
वास माधो Oh.
सहचारी हूँ श्रुति खोजत हम दास
लाडली लाल की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय